जब तक सूरज चांद रहेगा भारत का नाम रहेगा तब तक इनके नाम याद किए जाएंगे और गद्दारों के भी नाम याद किए जाएंगे। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कौन से लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों से यारी कर रहे थे। और आप कह रहे नेहरू, नेहरू और गद्दार, गद्दारी बताता हूँ। सुनिए, इस देश की जो स्वतंत्रता हुई थी ना, तो पहली बार देश के तीन टुकड़े करने वाले थे, पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत में पहले टुकड़े किया आप लोग, 1950 जम्मू कश्मीर उसके टुकड़े किया आप लोगों ने, धारा 370 लगाया आप लोगों ने, स्वर्ण मंदिर सिखों पे हमला आपने करवाया। क्या बात कर रहे हैं आप, कहेंगे 1975 में इमरजेंसी लगा के आप कांग्रेस का इतिहास सुनवाना चाहते थे। मैं आज नहीं चाहता बुराई करूं, लेकिन आपने मजबूर किया क्योंकि ये देश की सच्चाई है जिसको आप बदल नहीं सकते। और परिवार बात का आपने पूरा 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 परिवार अपनी पार्टी में समेट लिया, चाहे चौटाला परिवार उसके साथ सरकार बनाते हैं आप। जब आपको मौका मिला तो पीडीपी के साथ भी सरकार आपने बनाई। आपके पास में जो कुत्ता है वो भी भौंक से लगा है, डर के मारे। अगर वोटर को राक्षस कहा जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, तो सवाल पूछूंगी आप कहां इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कहिए ना कि ये वो दुखती रखे जिस पर मैं बात नहीं कर सकता, डर लग रहा है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत हमारी एक और न्यूज डिबेट रिएक्शन वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाले वो होने वाला आज तक और भारत 24 चैनल का। दोस्तों, इस डिबेट के अंदर अभी हाल ही में नेहरू मेमोरियल का नाम चेंज कर पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी रख दिया गया है, जिस पर दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि आप देश से चाहे नेहरू का कहीं से भी नाम मिटा दीजिए, लेकिन हर देशवासियों के दिलों में हमेशा नेहरू जी का नाम रहेगा। और साथ ही दोस्तों, इस डिबेट के अंदर अभी जो हाल ही में कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने बयान दिया कि जो भी मोदी और बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस होता है। दोस्तों, इसी मुद्दे पर इस डिबेट के अंदर रूबिका लियाकत और अनुराग भदौरिया के बीच में काफ़ी तीखी बहस होगी। और साथ ही दोस्तों, इस डिबेट के अंदर बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी के बीच में भी आपको काफ़ी तीखी बहस इस डिबेट में देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो बड़ा ही कमाल का होगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देख के जाइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी जरूर से करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अरे, दीवारों से किताबों से नेहरू गांधी का नाम मिटा सकते हो? इस देश के कण कण में नेहरू और गांधी याद किए जाएंगे आदर और सम्मान के साथ, सदियों याद किए जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा भारत का नाम रहेगा, तब तक इनके नाम याद किए जाएंगे और गद्दारों के भी नाम याद किए जाएंगे कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कौन से लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों से यारी कर रहे थे, और आज अपने आप को बड़े काबिल और योग्य बताते हैं। तो नेहरू, तो नेहरू का नाम कहां मिट रहा है, कहां मिटा पाओगे? तुम लोग की हैसियत है नेहरू का नाम गांधी का नाम मिटा देने, 10 साल बर्बाद दशक के नाम पे जाना जाएगा। अगर ये सत्ता में नहीं होते तो हम आज दूसरी तीसरी महाशक्ति बन चुके होते, आर्थिक महाशक्ति डुबो रखा है। जब देश पे मोदी जी का राज हुआ तो इस देशवासियों पे 42,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था और आज वो जनसंख्या भी काफी कम थी, ठीक है, सवा गुनी जनसंख्या हो गई। हाँ। और कर्जा पर व्यक्ति बढ़ करके 1,25,000 रुपए हो गए। हाँ। फोटो दिखाइए, गरीबी बदल पाए, फिर आप लोग जो सवाल पूछेंगे उसी पर जवाब लूंगी ना। अजय आलोक जी, अजय आलोक जी, उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए, उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए। और अजय आलोक जी, और अजय आलोक जी लगती है वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती जी आपको सबसे तकलीफ होने लगती है। चित्रा जी, इट्स नॉट फेयर। अजय, ये बहुत गलत बात है। राजीव रंजन जी चल के स्टूडियो तक आए हैं, उसके बाद आप डिस्टर्ब करने लगते हैं। बोल लीजिए सर, बोलिए, बोलिए। सबसे बड़ी प्रवक्ता आप बन जाते हैं सर। अखिलेश जी प्लीज, ये तरीका बेहद गलत है। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब, एक सेकंड मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, ये तरीका बेहद गलत है। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन सर आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, थोड़ा सा एंकर पर सवाल करना सर रोज रोज का हो गया है, रोज रोज सुनते सुनते ना, मतलब आप थोड़ा चेंज कर लीजिए सर, ठीक नहीं लग रहा है। देखिए चित्रा जी, ऐसा है ना कि चाचा आज हकला रहे क्योंकि कंफ्यूज हो गए कि पता ही नहीं है बोलना क्या है। पहले तो नाम बदलने पे हाय तौबा छाती पीटना शुरू किया, 10 जनपद से लेके कांग्रेस हेडक्वार्टर तक एक एक लोगों ने। अब कह रहे हैं कि नाम बदलने पे हमें कोई चिंता ही नहीं है, तो चिंता नहीं तो बहस करने का है आगे भाई। और आप कह रहे हैं नेहरू, नेहरू, नेहरू और गद्दार, गद्दारी बताता हूँ। सुनिए, इस देश की जो स्वतंत्रता हो रही थी ना, तो पहली बार इस देश के तीन टुकड़े करने वाले थे, पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत माता के पहले टुकड़े किए आप लोगों ने, 1950 जम्मू कश्मीर उसके टुकड़े किए आप लोगों ने, धारा 370 लगाया आप लोगों ने, 1954 पंचशील एग्रीमेंट पहली बार चाइना को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलवाई नेहरू जी ने, यह है आपकी कमी। 1962 40,000 किलोमीटर अक्साई चीन हमसे ले गया, आप बैठ के ताली बजाते रहे, एयरफोर्स को आपने हमला नहीं करने दिया, ये थी नेहरू की गलती। ऐतिहासिक गलतियां हैं लाइन लाइन से, एक एक करके गिनते गिनते रह जाइए और आगे बढ़िए। हाँ। इंदिरा गांधी 65 के युद्ध में कच्छ, रन ऑफ कच्छ दे रही, नहीं नहीं, ये कह रहे थे कि बड़े देश के वफादार हैं और देश को इन्होंने सम्मानित किया, इनके सम्मान को याद दिला रहा हूं। 65 में पाकिस्तान के लिए भी रन ऑफ कच्छ में जगह छोड़ दी। कच्चा तीवू द्वीप तो याद होगा ना, जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, किसने छोड़ा था लंका के लिए, लंका के मछुआरों के लिए? मिजोरम में अपने ही एयरफोर्स से अपने ही नागरिकों पे बम चलवाया, देश को तो तोड़ने की लगातार आप कोशिश करते रहे। स्वर्ण मंदिर सिखों पे हमला आपने करवाया, क्या बात कर रहे हैं आप, कहेंगे 1975 में इमरजेंसी लगा के आप कांग्रेस का इतिहास सबको सुनवाना चाहते थे ना, मैं आज नहीं चाहता था बुराई करूं, लेकिन आपने मजबूर किया है क्योंकि ये देश की सच्चाई है जिसको आप बदल नहीं सकते। हिमाचल प्रदेश में 70% वोट दिया था बीजेपी ने, बीजेपी को 70% राक्षस है सर,
गुजरात में 63% वोट पड़े थे वोटर्स राक्षस हैं, उत्तराखंड में 62% वोट पड़े थे वो राक्षस हैं, बीजेपी को राजस्थान में 59% लोगों ने वोट दिया वो राक्षस हैं, गोवा में 52% वोट पड़ा बीजेपी को वो राक्षस हैं, मध्य प्रदेश में 59% वोट पड़ा बीजेपी को वो 59% वोटर्स राक्षस हैं। अनुराग जी, जी देखिए अब आपकी बात होगी तो मैं अपनी बात कह लूं। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ क्या किया, जनता जनार्दन होती है और जनता हमारे भगवान की तरह होती है। आपने जनता को क्या कहा था, हम आएंगे तो महंगाई देश से खत्म हो जाएगी, डीजल पेट्रोल जब 60 रुपए था आप कहते थे बहुत ही महंगाई की मार आपकी बार फलाने की सरकार, फिर कहां चलेगी भाई महंगाई, महंगाई 100 के पार, डीजल तो पेट्रोल 100 के पार हो गया। पहले तो मैं टमाटर लेके चलता था, अब क्या क्या लेके चलूं, टमाटर ही महंगा, नींबू भी महंगा, तेल भी महंगा, दाल भी महंगी, सारी सब्जियां महंगी, जीना महंगा हो गया, दोनों तरफ से पिसाना, क्या महंगाई नहीं है, तो उसको राक्षस क्यों बोलेंगे आप, टोकेंगे तो फिर कैसे बात ही नहीं कह पाएंगे। अब मैं बात कह लूं फिर आप अपना सवाल पूछेगा भाई, जितना आपको चीखना चीखेगा मैं अपनी बात तो कह लूं, चीख थोड़ी रही हूं, मैं महंगाई में गिना रहा था, रिपीन बोर्ड में नहीं हूं, महंगाई है और महंगाई रोज बढ़ रही है, चाहे दूध हो रोज महंगाई बढ़ती है, चाहे पेट्रोल डीजल हो महंगाई बढ़ रही है, तो बोल रहा हूँ लोगों की कमर टूटी है महंगाई से, बेरोजगारी कहां चलेगी, बेरोजगारी के ऊपर हल्ला मचाते थे, भ्रष्टाचार के ऊपर में हल्ला मचाते थे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, वही भ्रष्टाचार जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे उन्हीं को बुला के मंत्री बना दे रहे हो, मुख्यमंत्री बना दे रहे हो, आप कहते थे कि परिवारवाद नहीं होगा और परिवारवाद का आपने पूरा 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 परिवारवाद अपनी पार्टी में समेट लिया, चाहे चौटाला परिवार उसके साथ सरकार बनाते हैं आप, जब आपको मौका मिला तो पीडीपी के साथ भी सरकार आपने बनाई, आपके पास में जो कुत्ता है वो भी भौंकने लगा है डर के मारे, अपना दल को आराम से बोलिए ना, अरे अपना दल, अरे अब अपना बोलने नहीं देंगे आप, आप पता नहीं कहाँ का कुत्ता भौंक रहा है, कौन सा कुत्ता भौंक रहा है, इसके बारे में आपकी आवाज सुनकर डर रहा होगा ना, मैं कह रही हूं आराम से बात कीजिए, मुझे सुनाई दे रहा है आपकी बातों को, नहीं नहीं आप किसी की आवाज सुनकर नहीं डर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप इतना डिस्टर्ब क्यों करती भाई, बीजेपी की पोल खोलने लगता हूं आप टोक देते, अरे मैं कहां, मैं तो इत्मीनान से आपकी बात सुन रही हूं, बीच में मुझे आवाज आई तो मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप इत्मीनान से बोलिए, सामने जो बेचारा कोई जानवर है वो डर रहा है, किसी की देश की जनता जानती है और इंडिया जिसको आप कह रहे हो, इंडिया भी इस बात को समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी, आने वाले चुनाव में इंडिया इस बार जो एनडीए है उसको मात देगी, इसमें कोई दोराय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कितने भी इशू बना ले, कहीं से लाके भी इशू बना, अगर वोटर को राक्षस कहा जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है, तो सवाल पूछूंगी ना, आप कहां इधर उधर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहिए ना कि ये वो दुखती रग है जिस पर मैं बात नहीं कर सकता हूं, डर लग रहा है, शुभ्रासा जी बार बार इसमें भी आप आइडियोलॉजिकली गाली देने लग जाएंगे और सामने वाले को कटघरे में खड़ा रख जाए, अरे कहिए ना कि हाँ गलती हुई है, वोटर्स को नहीं कहना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले सभी सच्चे देशभक्त और रामभक्त प्लीज कृपया करके कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत वंदे मातरम और जय श्री राम जरूर से लिख के जाएगा। बात ही दोस्तों आज की इस डिबेट की, तो दोस्तों अभी हाल ही में नेहरू मेमोरियल का नाम चेंज कर पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी रख दिया गया, जिस पर दोस्तों कांग्रेस का कहना है कि आप चाहे कहीं से भी नेहरू जी का नाम हटा दीजिए लेकिन लोगों के दिलों से नेहरू जी का नाम कैसे हटाओगे। दोस्तों इसी मुद्दे पर अखिलेश प्रताप सिंह जी और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक के बीच में काफ़ी तीखी बहस हुई और इन दोनों ने अपने अपने पक्ष डिबेट में रखे, और साथ ही दोस्तों इस डिबेट के अंदर रूबिका लियाकत और अनुराग भदौरिया साहब के बीच में भी काफ़ी तीखी बहस हुई, क्योंकि दोस्तों थोड़े दिन पहले रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी मोदी और बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस होता है। इसी पर दोस्तों रूबिका लियाकत ने अनुराग भदौरिया साहब से सवाल पूछा जिस पर दोस्तों अनुराग भदौरिया ने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया और इन दोनों के बीच में काफ़ी तीखी बहस हमें इसी मुद्दे पर इस डिबेट में देखने को मिली। खैर दोस्तों आपकी क्या राय इस डिबेट को लेकर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा, फिर मिलेंगे दोस्तों ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।